आज मंत्रियों को जिले का प्रभार मिलेगा। शाम तक प्रभारी मंत्री की सूची जारी हो जाएगी। प्रदेश में 1 जुलाई से तबादला नीति लागू होना है, तो प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर अब ट्रांसफर होगा। कोरोना में अच्छा काम करने वाले मंत्रियों का कद बढ़ेगा। सिंधिया समर्थक मंत्रियों को भी बड़े जिलों का प्रभार मिलेगा। तो आज मंत्रियों को जिले का प्रभार मिलेगा। आपको बता दें 1 जुलाई से तबादला नीति लागू होना है। शाम तक प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी हो जाएगी और अधिक जानकारी लेंगे। विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। जुगल, आपसे जानना चाहेंगे, अब मंत्रियों को आज शाम तक सूची जारी हो जाएगी, प्रभार मिल जाएगा, क्या माना जाए, अब कल से सचमुच ट्रांसफर नीति शुरू हो जाएगी? जी हाँ, देखिए ट्रांसफर जो तबादले पर प्रतिबंध लगा था कल से वो हट जाएगा, इसलिए आज प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी हो जाएगी। ये बहुत स्पष्ट है, सूची बनकर पूरी तरीके से तैयार है। आज शाम तक वो सूची भी जारी हो जाएगी जिसमें मंत्रियों को जिले का प्रभार दिया जाएगा। अगर हम तबादले की प्रक्रिया को समझें तो तबादले में जो प्रभारी मंत्री होता है उसका अनुमोदन बेहद जरूरी होता है, इसलिए आज से प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति आज शाम तक कर दी जाएगी। और अगर हम देखें तो सबसे जो कोरोना में जिन मंत्रियों ने बेहतर काम किया है, कोरोना के में प्रबंधन का काम बहुत अच्छा किया हो, ऑक्सीजन से जुड़े जो काम है वो अच्छा किया हो, तमाम जो व्यवस्थाएं संभाली हैं, उन मंत्रियों का कद निश्चित रूप से बढ़ेगा, उनको बड़े जिले का प्रभार दिया जा सकता है। इसके अलावा जो सिंधिया जी के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे उन मंत्रियों को भी जो प्रभार है अच्छे जिले का प्रभार दिया जा सकता है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो कोरोना का जो प्रभार दिया गया था उसमें तुलसी राम सिलावट को इंदौर का प्रभारी बनाया गया था, तो उनके कद में इजाफा हुआ था। इसी तरीके से जब प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे तो प्रभारी मंत्री में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि किनने कोरोना में बेहतर काम किया है और किस तरीके से सरकार का जो लक्ष्य था कि कोरोना पर नियंत्रण करने में उसमें अहम भूमिका निभाई थी। प्रेरणा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि अब कोरोना में अच्छा काम करने वाले मंत्रियों का कद भी बढ़ेगा। 1 जुलाई से तबादला नीति लागू होनी है, उससे पहले जो प्रभारी मंत्री हैं उनका अनुमोदन जरूरी होता है और इसीलिए शाम तक सूची जारी हो जाएगी।